दोस्तों, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। आज थोड़ी धूप निकली हुई है फ्रेंड, बस थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है फिर जा रही है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो गार्डन बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आई गार्डन में तो सोची चलो वीडियो बना ही लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए मेरे लेंटाना पे देखिए फ्लावर आ रहे हैं। जब पूरे खिल जाएंगे बहुत सुंदर लगेंगे। की इधर मैंने कटिंग लगाई थी, लग गई, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। गोम फेरना देखे, ये सीड से ग्रो हुए थे, बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये बोरी में मैंने ऐसे किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला था, कचरे में ही सीड्स डाल दी थी, थोड़ी सी मिट्टी डाल के। देखिए बहुत अच्छे से हो गए हैं, ये इसीलिए चलते रहेंगे। जीलिया के सीड्स भी मैं कहीं भी डाल देती हूँ, देखिए ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वो गमले, किसी गमले के साइड में मैं डाल देती हूँ, बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। एक टाइम के बाद तो ख़त्म ही हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग से गमला इनको नहीं देती। दूर से बहुत सुंदर लगता है, दूर से बहुत अच्छा व्यू आता है मेरे गार्डन का। अभी बहुत बहुत कम प्लांट, बहुत कम फ्लावर है फ्रेंड, फिर भी ज़्यादातर तो मेरे जितने भी प्लांट है प्लांटर्स हैं सब फ्री के ही हैं, फ्री में ही अगर अपने गार्डन में इतना कुछ देखने को मिल जाए तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड। बिस्कस पे बहुत सारी कलियाँ आई हैं, बिस्कस के यहाँ पे तीन प्लांट हैं, आने वाले टाइम पे तो ढेरों हो जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे कटिंग लगाए हैं, सबके सब लग गए। मैंने डबल पेटल वाले भी लगाए हैं, मैं कहीं भी सीड डाल देती हूँ, कहीं भी कटिंग लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से चलते रहते हैं क्योंकि हर गमले के नीचे मेरे कंपोस्ट बनते रहते हैं, सारी मिट्टी मेरी खाद वाली ही रहती है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि सारा काम मैं अकेले करती हूँ, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। मैं कभी भी कोई गमला ऐसे नहीं बनाती, मैं आधे तक किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट ऐसे ही भरती हूँ। अर्डेनियम मेरे पास दो ही हैं फ्रेंड, एक कटिंग से तैयार की हूँ, अभी तक इसमें कभी सीड नहीं बने। अगर सीड बन गए एक बार तो ढेरों प्लांट बना लेंगे फ्रेंड। सारा काम खुद से करती हूँ इसलिए मैं सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाती, बस हर जगह 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 मेरे कंपोस्ट खाद बनते रहते हैं। बोरी में खाली गमले हैं, कुछ भी है उसमें मैं डाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको छोड़ देती हूँ, अगर कुछ सीड है तो उसके ऊपर डाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं और कचरे में जो सीड डाला जाए वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मेरे को पता है कि सब्जियाँ अगर मैं लगाऊँ तो भी बहुत अच्छे से चलेंगी,
लेकिन सब्जियों का भी मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है, फूलों से ही अभी जी नहीं भरा। जहाँ तहाँ जैसे खुद से किचन से निकले हुए कुछ सीड मैंने डाले हैं, तो देखिए जब निकलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको, शेयर करूंगी। तो पहले फूलों से ही मेरा मन भर जाए तो फिर मैं ट्राई करूंगी, और फिर मिट्टी का भी अरेंज मुझे ही करना पड़ता। तो ये जो मैं खाद बनाती हूँ उससे मेरे को बहुत हेल्प मिल जाता है फ्रेंड, मिट्टी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। जितना कचरा निकलता है सब सब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप उस प्रोसीजर में डाल दो तो वो तो बाद में मिट्टी, और वो भी खाद वाली मिट्टी बनेगी, कोई सिंपल मिट्टी नहीं बनेगी। जितने भी हमारे न्यू गार्डनर हैं, बिगनर्स हैं, अगर ये किचन बेस्ड और ये गार्डन बेस्ड से खाद बनाना सीख लें, सीखना क्या है बस थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दें, तो फिर गार्डनिंग का मज़ा ही आ जाता है, मिट्टी का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता, और बार बार फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो वैसे भी आसानी से निकलते रहते हैं डेली डेली। तो मैं तो यही करती हूँ फ्रेंड, चौरी में मेरे अच्छे से फ्लावर आने लगे, और भी बर्ड्स बन रहे हैं, पूरे में भर जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए अलमांडा में भी बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं, इधर खिल भी रहे हैं। ये नाग चंपा के दो तीन कटिंग रेडी हो चुके हैं, इनको मैं शिफ्ट करूंगी दूसरे प्लांटर में। बस फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और गार्डनिंग करते रहिए। ओके, बाय।